कहानी तो बहुत सुनी होगी। भारत में बहुत से ऐसे हॉन्टेड प्लेस है जहाँ रात में जाना मना, और ये डरावनी जगह ज्यादातर कोई खंडहर या पुराना किला या कोई बंगलो होता है। पर आपने सोचा है कि किसी मंदिर में रात में जाना मना हो, जहाँ जो एक बार जाए फिर वापस ना आए। तो चलिए आपके इस एक्साइटमेंट को खत्म करते हैं और बताते हैं उन 5 मंदिरों के बारे में जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। माँ शारदा देवी मंदिर, मध्य प्रदेश के सतना जिले में पर्वत की चोटी के बीच ये मंदिर है जिसका नाम माँ शारदा देवी मंदिर। भक्त यहाँ 1063 सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन के लिए आते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माँ शारदा का अकेला मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक माँ शारदा की पूजा अर्चना सबसे पहले आल्हा ही करते हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वहां पर माँ के चरणों में जल के साथ ही एक फल और फूल चढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन इस मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि ये रात को खतरे से खाली नहीं। मंदिर में रात को पंडित तक नहीं रुकते। कहा जाता है कि जब भी किसी ने वहां रात को रहने का प्रयास किया, उसकी मृत्यु ही हुई। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि मंदिर को खोलने का समय सुबह 4 बजे का होता है, तभी मंदिर में प्रवेश किया जाता है। निधि वन, धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन एक रहस्यमयी धार्मिक स्थान। मान्यता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं और फिर यहाँ पर रंग महल में आराम करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखी जाती है, इसीलिए शाम को उनके लिए रंग महल में 1 लोटा पानी, पान और खाने का सामान रखते हैं। सुबह जब रंग महल का ताला खोला जाता है तो सारा सामान उथल पुथल मिलता है। बेड पर चादर भी सिकुड़ी हुई मिलती है, जैसे किसी ने चादर का इस्तेमाल किया। वहाँ के लोगों का कहना है कि यदि कोई भी इस रासलीला को देखने का प्रयास करता है तो वो गूंगा, बहरा या अंधा हो जाता है। इतना ही नहीं, कई लोगों की तो इससे मौत भी हुई। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि निधि वन में शाम की 7 बजे वाली आरती होने के बाद वहाँ का इलाका खाली कर दिया जाता है, वहाँ से लोग चले जाते हैं। पंडित और जानवर भी वहाँ नहीं भटकते। कानपुर का भूतों वाला मंदिर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जिसे कानपुर का भूतों वाला मंदिर कहा जाता है। कानपुर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गुप्तकालीन मंदिर है। इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण अमावस की रात को किया गया था। इस मंदिर को भूतों वाला मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के अंदर किसी भी भगवान की कोई मूर्ति नहीं। वहां के लोगों का मानना है कि इस मंदिर में पहले मूर्तियां हुआ करती थी। लगभग 350 वर्षों से इस मंदिर में मूर्तियां नहीं। कहा जाता है कि यदि शाम के समय कोई भी इस मंदिर के अंदर गया तो उसे कोई ना कोई बीमारी हो जाती। गांव के लोगों को रात में अभी भी आवाजें सुनाई देती हैं कि आखिर किस तरह भूत यहां धूमधाम से पूजा करते हैं। भानगढ़ किला, राजस्थान के भानगढ़ किले में एक नहीं अनेक मंदिर है। शाम होने के बाद इस किले में कोई अंदर नहीं जाता। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा किला ही शापित है। ये किला राजस्थान के अलवर जिले में सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस किले के लिए सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किए हुए हैं कि कोई भी इंसान शाम को 6 बजे के बाद इस किले के अंदर या आसपास ना जाए। ऐसा बताया जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। वही भानगढ़ का एक तांत्रिक उनके रूप पर मोहित हो गया। वो उनसे शादी करना चाहता था जो कि मुमकिन नहीं था। राजकुमारी को पाने के लिए तांत्रिक ने तेल खरीदने आई उनकी दासी को अभिमंत्रित तेल दे दिया ताकि रत्नावती उनके पास आ जाए, लेकिन दासी के हाथ से वो शीशी छूटकर गिर गई और तेल पास की ही शिला पर जा गिरा। इसके बाद शिला तांत्रिक के पास खींचने लगी, इस वजह से शिला के नीचे दबने से उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। अपनी मौत से पहले तांत्रिक ने समस्त नगरवासियों के विनाश का शाप दिया। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही तांत्रिक की मौत हुई तो राजकुमारी के साथ बाकी सारे नगरवासियों की भी मौत हो गई। एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं कि वहां पर लोगों की आत्माएं भटकती हैं, जिस वजह से रात के समय महल से घुंघरू की आवाजें आती हैं। किराड़ू मंदिर, राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है बाड़मेर। बहुत समय तक गुमनामी की चादर लपेटे ये जिला अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन रहा है, जिसकी वजह है किराड़ू का मंदिर। इस जगह पर 5 मंदिरों की एक बेहद सुंदर श्रृंखला।
किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जबकि जगत लघु खजुराहो के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर इस मंदिर में रात को कोई भी इंसान रुकता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता। इस मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ इस शहर में रहने आए तो कुछ दिन रहने के बाद साधु देश भ्रमण पर निकल गए। एकदम से ही उनके शिष्य बीमार पड़ गए, लेकिन गांव के लोगों ने उनकी देखभाल नहीं की। लेकिन उसी गांव में एक कुम्हारन थी जिसने उन सारे शिष्यों की देखभाल की थी। लेकिन जब साधु ने वापस आकर अपने शिष्यों की नाजुक हालत को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने वहां पर रह रहे लोगों को श्राप दे दिया। साधु ने उस कुम्हारन को कहा कि वो यहाँ से शाम होने से पहले चली जाए और जब जाए तो पीछे मुड़कर गलती से भी ना देखे, वरना वो पत्थर की बन जाएगी। लेकिन मना करने के बावजूद भी जब वो वहां से जाने लगी तो उसने साधु को परखने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसी वक्त वो पत्थर की बन गई। बोला जाता है कि वहां शाम को जो भी ठहरता है वो पत्थर बन जाता है, इसीलिए शाम होने से पहले वहां से लोग वापस आ जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि इस घाटी में कभी 360 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही मंदिर बचा हुआ है, बाकी सभी को बाहरी आक्रांताओं ने विनाश कर दिया। लोग मानते हैं कि आखिरी मंदिर का विनाश करते समय चमत्कार हुआ और ये बच गया। बचा हुआ ही नीलकंठ महादेव मंदिर, यहाँ सावन में श्रद्धालु हरिद्वार आदि स्थानों से गंगा जल लाकर चढ़ाते हैं। तो आज हमने आपको बताया अजीबोगरीब मंदिर जहाँ जाना रात को खतरे से खाली नहीं। वेल, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ।